देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ कि थ्री रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम। मेरे पास तीन रेसिस्टर है हैविंग रेसिस्टेंस 12 ओम, 12 ओम एंड एक और है 12 ओम। तीन रेसिस्टर है, सारे का रेसिस्टेंस जो है वो 12 ओम है। इन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, तीनों को हम पैरेलल में ही कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो अगर पैरेलल में रहता है कोई भी रेसिस्टर, अगर पैरेलल में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो हम जानते हैं कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है कि 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 होता है ना। तो यहां से लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/12, 1/12, 1/12, 1/R इक्वल टू कितना हो गया 12 और 1, 1, 1, 1/R इक्वल टू कितना हो गया 3/12। आपका मतलब हो गया यहां से कि 1/R बराबर 1/4, इसका मतलब रेसिस्टेंस बराबर हो गया 4 ओम। मतलब ये हुआ कि अगर हम तीन 12 ओम रेसिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 4 ओम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, मान लीजिए एक मेरा वायर है और इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है वो है आर, इसको दो इक्वल पीस में काट दिया जाता है। कह रहा था कि यूनिफॉर्म वायर रेसिस्टेंस आर कट इनटू टू इक्वल पीसेस एंड दीज पीसेस आर ज्वाइंट इन पैरेलल, तो पैरेलल इसको दो पीस में काटा जाता है। मतलब कि पहले इसका लेंथ मान लिया कि एल था, अब इसका लेंथ जो हो गया L/2, यहां भी इसका लेंथ L/2। तो हम जानते हैं कि सिंस रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बताए होंगे कि लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा, लेंथ को हाफ करेंगे तो रेसिस्टेंस भी हाफ होगा। तो लिखेगा कि सिंस रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अब यहां पर लेंथ क्या हो गया, यहां पे लेंथ आधा हो गया ना, इतना वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा हाफ का, अगर पूरे का रेसिस्टेंस आर है तो आधा लेंथ ऑफ वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा R/2, इसका रेसिस्टेंस होगा R/2, फिर इसका अगर L/2 है तो इसका भी रेसिस्टेंस होगा R/2, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 तक कल बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे तुम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है ना, बाकी का जो नहीं देखा होगा जाके वीडियो देख लोगी और उससे बना लोगी। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि हाउ विल यू ज्वाइन द रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 3 ओम
6 ओम एंड 8 ओम तीन रेसिस्टर है, 3 ओम 6 ओम एट ओम, एट ओम ठीक है ना, टू गेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, मतलब इन तीनों को किस तरीके से ज्वाइन करें ताकि तीनों को मिला करके हमको 10 ओम का रेसिस्टेंस आना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे बड़ी बात है कि 10 ओम का मतलब क्या हुआ, 10 ओम का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको आपको मतलब कि तीनों को पैरेलल तो खैर सोच ही नहीं सकते, तीनों को पैरेलल हम सोच सकते हैं नहीं सोच सकते, तीनों का अगर तुम पैरेलल सोचोगी तो फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल सोचने वाला हो गया 3, 6 और 8 है, तो पैरेलल में क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो 3 से भी कम हो जाएगा, सीरीज में भी नहीं सोच सकते हैं, सीरीज में सोचेंगे तो सीरीज में तो सिंपल जोड़ते हैं 3, 6 और 8 तो कितना हो गया 70। अब एक ही काम है कि पहले या तो दो को सीरीज में ले और फिर एक को उसके पैरेलल में लगाते हैं, तो फिर वहां पर भी मार खा जाएंगे, अगर दो को सीरीज ले करके और एक को साथ पैरेलल में लगा देंगे तो फिर भी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो उससे कम वाले से होगा, मान लीजिए इसमें से इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं और इसको सीरीज में जोड़ के इसके साथ पैरेलल कर देते हैं, तो पैरेलल कर देने का मतलब क्या होगा कि फिर वो 8 से कम हो जाएगा, तो दो को पैरेलल में जोड़ करके और फिर एक के साथ सीरीज में करना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको अगर इसे निकालना होगा तो सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम इन दोनों को पैरेलल जोड़ना होगा, इन दोनों को तुम पैरेलल जोड़ लो और उसके साथ 8 वाले को सीरीज में जोड़ दो, ये आपका हो गया 3 ओम 6 ओम और ये हो गया आपका 8 ओम, ठीक ना। अब देखोगे तो 3 और 6 ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल और इसके साथ ये किस में है सीरीज में है, तो पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मान ले कि ये मेरा हो गया R1, R2 और ये R3। अब पहले देखते हैं कि ये R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट है, अगर इसको पूरे को मिला के एक मान लेते हैं, जैसे इस पूरे को मिला करके हम एक मान लेते हैं, तो ये पूरा और ये आपस में क्या है सीरीज में है, अगर इसको हम एक बनाते हैं ऐसे तो फिर ये एक और फिर इसके आगे देखो ये दोनों आपस में क्या हो गया सीरीज में हो गया, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है और 8 ओम आपस में सीरीज में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1/3 1/6 मतलब कितना हो गया 6 ले लिए, अच्छा ऐसे लिखते हैं, क्लियर लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज R4, मान लिया कि ये R4 है, तो यहां पर लिखेंगे 1/R4 पैरेलल में, तो रेसिप्रोकल में ले लेते हैं हम लोग, पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो 1/R4 क्वेश्चन क्या लिखेंगे 1/R1 1/R2, तो यहां पर हो गया 1/R4 इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है 1/3 1/6 तो 1/R4 कितना हो गया, यहां से लिखेंगे 6 2 और 1 तो फिर कितना हो गया 1/R4 3/6
तो इसका मतलब हो गया कि आपका अगर R4 लिखेंगे, R4 तुम अगर लिखोगे ना, तो R4 लिखने के बाद इसको फिर उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 6/3, R4 आपका हो जाएगा 2 ओम। फिर लिखे हैं यहाँ पे कि R4 and R3 आर इन सीरीज, वो सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R, कैपिटल R रहा और क्या हुआ, R4 plus R3, इसका मतलब आपका कितना हो गया, R4 कितना आया था, R4 देखो कितना है 2 और R3 कितना है 8, तो जोड़ के आपका 10 ओम आ गया, 10 ओम आ गया ना। तो अगर तीन रेसिस्टर दिया था 3, 6 और 8, तो पहले हम लोग पैरेलल, जब भी पैरेलल में निकालना रहता होता है कि रेसिप्रोकल में जोड़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 और 6 को पैरेलल में जोड़े और उन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको 8 के साथ सीरीज में कर दिए, तो आपका 10 ओम आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, दे मेरे साथ तुम लोग भी बनाते जाओ। Find the current through the circuit shown in the figure, also potential across the 20 ohm resistor. मतलब ये दिया हुआ है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो तुमको बताना है और इसका पोटेंशियल क्या है, इस 20 ओम का पोटेंशियल क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल वो कितना है, 7 वोल्ट, और हम क्या करते हैं पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकाल देते हैं। पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 20 ओम और 15 ओम, इन दोनों को जोड़ करके, अब यहाँ 20 ओम और 15 ओम आपस में क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है ना, यहाँ से जो करंट जाएगा ऐसे फिर ऐसे, फिर इन दोनों में सेम करंट में इतना भी करंट आएगा, फिर यहाँ से ऐसे फ्लो करते हुए फिर वापस आ जाएगा, ये सीरीज कहलाता है, सीरीज में सब में सेम करंट जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, लेकिन सिंस 20 ओम एंड 15 ओम आर इन सीरीज, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि आपका आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया आपका 20 plus 15 35 ओम, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया 35 ओम, और आपका पोटेंशियल कितना है 7 वोल्ट, ठीक। तो आई बराबर फॉर्मूला याद करो, आई ओम्स लॉ से, तो वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी इक्वल टू होता है आई आर, तो आई बराबर कितना हुआ, आई बराबर हो गया वी बाय आर, यहां पर हो गया वी बाय आर, इसका हो गया आई इक्वल टू वी 7/35 का मतलब क्या हो गया 1/5 होगा, ब्रेक करोगे तो आएगा 0.5
टू एम्पियर, ये आ गया 0.2 एम्पियर। तो ये जो 0.2 एम्पियर है तो 0.2 एम्पियर यहां भी आएगा, फिर इसमें जो देखो अब इस रेसिस्टेंस के अंदर भी करंट जो आएगा वो आएगा 0.2 एम्पियर, और यहां पर भी जो आएगा करंट वो आएगा 0.2 एम्पियर। तो अगर आप तुमको इसका पोटेंशियल बोले, ठीक है ना, तो अब हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ 20 ओम रेसिस्टर। पोटेंशियल भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। तो भी इक्वल टू आई और आर, आर मतलब आर वन लिख देते हैं हम यहां पे। अब यहां से लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ 20 ओम रेसिस्टर क्या लिखेंगे, वी इंटू मतलब कि वी इक्वल टू आई इंटू आर वन, क्योंकि आर वन मान लेते हैं। अब करंट कितना गया इसमें, इसका करंट कितना मिला 0.2, और उसका रेसिस्टेंस कितना है 20, ठीक ना। इसका मतलब 0.2 इंटू 20 हो गया 4 वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा अगर इसका पोटेंशियल पूछता तो फिर उसका निकाल देते हैं। अब ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल 15, इसका बोला नहीं निकाल लेते लेकिन हम ऐसे निकाल के दिखा रहे हैं 15 वोल्ट। ये हो गया आपका 15 इंटू 0.2, 15 गुना 2 30 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 30, जैसे देखो 15 इंटू 2 तो 30 हुआ ना, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है, इधर से एक बार पॉइंट लगा दो मतलब कि वोल्ट। ये आ गया आपका 3 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट, दोनों को मिला के 7 वोल्ट, है ना, समझ में आया। इस क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि एक सर्किट है जिसमें दो रेसिस्टर है 15 ओम एंड 30 ओम, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 6 वोल्ट बैटरी। यहां पर 6 वोल्ट बैटरी से ये दोनों कनेक्टेड है, जो दोनों रेसिस्टर है ना वो आपस में पैरेलली कंबाइंड है। पहला क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि बताए कि इस सर्किट के अंदर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो भी करंट यहां से करंट यहां तक जाएगा, क्या ये दोनों में जो करंट यहां से आया वो उतना ही दोनों में जाएगा। मान लो कि अगर यहां से 5 एम्पियर आया तो 5 एम्पियर तो नहीं जा सकता, अब 5 एम्पियर मान लो यहां से 5 एम्पियर, पांच के पांच आदमी इधर और पांच के इधर नहीं जा सकता, कुछ इधर और कुछ इधर जाएगा। हाँ लेकिन इतना सियोर है कि दोनों मिल करके फिर इसके बराबर हो जाएगा, ये तो पक्का कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। तो जो यहां से करंट आता है वो यहां आके डिवाइड हो जाता है, कुछ इसमें जाता है कुछ इसमें जाता है, और फिर वापस जब आता है तो फिर कंबाइंड होकर फिर इतना आ जाता है। तो हमको निकालना पहले कि टोटल कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, फिर हमको यह बताना कि इसमें कितना करंट जा रहा है। इसमें बताना तो भी बता सकते हैं, एक बता दे तो दूसरा बताना क्या है। तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए क्या करना कि पहले पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकाल देना। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो इसमें दो ही रेसिस्टर है, इसमें सिर्फ दो ही रेसिस्टर है ना, और दोनों आपस में क्या है पैरेलल। तो पहले निकालते इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लिए
लेट इस्तेमाल करते हैं, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, मतलब दोनों को मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना है, तो कैपिटल आर। तो कैपिटल आर निकलेगा कैसे, पैरेलल में है तो 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 30, ठीक है। तो 1 बाय आर इक्वल्स टू 30 टू 1 बाय आर 3 बाय 10 और 3 बाय 30, 3 बाय 30 और 3 बाय 30 को काटेंगे तो 1 बाय 10। तो इसका मतलब हो गया कि इसको उल्टा करेंगे तो R बराबर आपका आ जाएगा 10 ओम। 10 ओम समझ में आया कैसे आया, तो देखो यहाँ 1 बाय आर कितना आया 1 बाय 10, तो इसको उल्टा करते तो पता नहीं इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ये ऊपर चल जाता है ये नीचे चला जाता है, तो ये 10 हो गया, तो आपका आ गया रेसिस्टेंस 10 ओम। तो अब देखो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम और पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, तो करंट कितना होगा यहां से भी आपका आ गया 6 वोल्ट, रेसिस्टेंस आ गया 10 ओम, तो करंट कितना होगा, तो करंट आपका हो जाएगा कितना, करंट आपका हो जाएगा करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर का मतलब हो गया 6 बाई 10, 0.6 एम्पियर, मतलब पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है 0.6 एम्पियर। अब तुमसे पूछा जाए कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 30 ओम में या 15 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इतना तुम दिमाग रखना कि अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, मतलब इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम होगा। अब यहां कितना है 6 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा और इसका पोटेंशियल भी 6 वोल्ट, तो इसका रेजिस्टेंस 30 ओम, पोटेंशियल कितना 6 वोल्ट, तो करंट आ जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी मालूम है आर मालूम है। अच्छा लेकिन एक चीज और दिमाग में रखना कि ये दोनों करंट जोड़ करके आपका आना चाहिए 0.6 के बराबर, क्योंकि यही 0.6 देखो यहां से 0.6 एम्पियर करंट आया और इसमें बट गया, तो कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया, तो फिर दोनों को मिला करके 0.6 आना चाहिए ना। तो पहले निकालते हैं करंट थ्रू 30 ओम, तो पोटेंशियल करंट निकालना है ना, तो V बाय आर, तो V कितना लेंगे 6 और R 30 कितना हो गया 1 बाय 5, 6 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बाय 5, 1 बाय 5 का मतलब होता है 0.2 एम्पियर, डिवाइड करके दिखा दे आता है 1 है यहां पर 5 है 0.02 हो गया ना। अब निकालना नहीं था 15 ओम से नहीं निकालना था, रफ में तुम अपना निकालने के लिए निकाल सकती हो, करंट थ्रू निकाल लो करंट थ्रू 15 ओम, तो यहां पर निकालो कि करंट थ्रू 15 ओम, तो ये आपका आ गया, फिर करंट निकालना है तो 6 बाय 15 कट ऑफ 2 बाय 5 0.4 एम्पियर आ गया ना, इसमें 0.2 उसमें 0.4 दोनों को जोड़ दिया तो 0.6 टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो करा 0.6, यहां पे समझ में आ गया।
चलिए।